जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 81 केंद्रों पर 25,357 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें प्रथम डोज लेने वालों में 20,217 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 5,140 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जनपद में 2 महिला स्पेशल बूथ तथा 2 अभिभावक स्पेशल बूथ और एम्स मेडिकल कॉलेज सहित 81 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का कार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि सोमवार को 20,000 टीका का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सीएमओ ने जनता से अपील करते हुए कहा कि लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ ना लगाएं तथा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और लाइन में लगकर अपना वैक्सीनेशन कराएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे जिले में 81 जगहों पर टीकाकरण चल रहा है, जिसमें कि हमारा 2 अभिभावक स्पेशल बूथ चल रहा है, 2 महिला स्पेशल बूथ चल रहा है। जिले में टीकाकरण जो है हमारे जिला अस्पताल, महिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, संक्रामक रोग विभाग और हमारी सीएससी पर वैक्सीनेशन चल रहा है। सर का आज का लक्ष्य? आज का लक्ष्य हमारा 20,000 का लक्ष्य है। इधर हम लक्ष्य के सापेक्ष टीकाकरण कर रहे हैं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील है कि कोरोना का संक्रमण अभी चल रहा है, लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क लगा के ही घर से बाहर निकलें और भीड़ भाड़ के इलाके में बिल्कुल ना जाए। खासकर अगर वैक्सीनेशन कराने आ रहे हैं तो अगर भीड़ दिख रही है तो भीड़ में का हिस्सा ना बने, जब भीड़ कम हो जाए तब जाके अपना वैक्सीनेशन कराएं और कोशिश करें कि पहले से स्लॉट बुक करके आए, जिससे कि सेंटरों पर भीड़ कम हो और वैक्सीनेशन सबको किया जा सके।